नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा आरसोली में। दोस्तों 30 मई 2019 को पीटीटी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने मार्क्स भी मैच कर लिए हैं। अब इसके बाद में प्रत्येक विद्यार्थियों की जिज्ञासा हो रही है, जैसा कि उनके कमेंट से मालूम हो रहा है कि सर प्रत्येक ज़िले में कितने तो महिला कॉलेज होते हैं और प्रत्येक कॉलेज में कितनी कितनी सीटें होती हैं और महिला और पुरुषों के लिए कितनी कॉलेज अलग अलग होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि आपकी किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। यदि आपका कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाते तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो अवश्य कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आपके पहले प्रश्न को ही लेते हैं कि प्रत्येक ज़िले में महिला कॉलेज कितने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि काउंसलिंग के समय प्रत्येक कॉलेज की लिस्ट जारी होती है और उस कॉलेज में कितनी सीटें वैकेंट हैं इसकी सूचना भी हमें मिल जाती है। काउंसलिंग के समय जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, जैसे अब के बाद डूंगर कॉलेज बीकानेर है, तो इसकी वेबसाइट के ऊपर हमें यह काउंसलिंग का कार्यक्रम मिल जाएगा, जिसमें प्रथम काउंसलिंग की बात करें तो प्रत्येक कॉलेज और उसमें होने वाली सीटें भी हमें मालूम हो जाती है। तो यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब आप घर पर ही बैठ कर के कॉलेज काउंट करते हैं तो उस चॉइस में आप ये गलती कर जाते हैं कि आपको बता दें कि जब आपको कॉलेज की सीरीज के सामने सी दिखे तो आपको उसी कॉलेज को अपनी चॉइस में लेना है, क्योंकि सी का अर्थ होता है को एजुकेशन। दोस्तों यदि किसी कॉलेज की सीरीज के सामने डब्लू है तो आपको बता देते हैं तो उस कॉलेज को आपको चॉइस में नहीं लेना, क्योंकि वो स्पेशल फॉर वीमेन होता है। डब्लू का अर्थ होता है वीमेन, तो स्पेशल फॉर वीमेन होता है। यदि आपने उस कॉलेज को चॉइस में ले लिया है तो वो कॉलेज आपको कभी भी अलॉटमेंट नहीं होगा और आपका उस कॉलेज में सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो आपको चॉइस में केवल सी जिसके आगे लिखा होता है उसी कॉलेज को अपनी चॉइस में लेना है। यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं दोस्तों कि जिनका भी नंबर आना होता है लगभग पहली और दूसरी लिस्ट, जो प्रथम काउंसलिंग और द्वितीय काउंसलिंग होती है, उसमें अधिकतर परीक्षार्थियों के जिनका नंबर आना होता आ जाता है। इसके बाद थर्ड काउंसलिंग मात्र औपचारिकता मात्र होती है, उसमें ज़्यादातर आर्ट्स और कॉमर्स की ही सीटें खाली रहती है और उस थर्ड काउंसलिंग में इन आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम वाले बच्चों को ही मौका मिल पाता है। साइंस वालों के चांस इस थर्ड लिस्ट में बहुत ही कम होते हैं। अब आपको बता देते हैं कि महिला कॉलेज कितने होते ज़िले में। जैसा कि प्रत्येक काउंसलिंग में लिस्ट जारी होती है तो उससे मालूम होता है कि प्रत्येक ज़िले में लगभग 7 से 8 कॉलेज महिलाओं के लिए स्पेशल होती हैं। आपको क्लियर कर दें कि इन महिला कॉलेजों में भी केवल और केवल जो सिलेक्शन चयन होता है वो महिलाओं को ही होता है। इसके अलावा आपको बता दें राजस्थान के ज़्यादातर कॉलेजों में बीएड की 100 सीटें आवंटित हैं, उनमें से 70 सीटें क्लास वर्ग के लिए, 20 सीटें विज्ञान वर्ग के लिए और वाणिज्य वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित होती हैं। काफ़ी कॉलेज ऐसे भी होते हैं जिनमें 200 के आसपास सीटें आवंटित होती हैं, तो उनमें इस आंकड़े को आप बिल्कुल डबल कर लें तो इससे वहाँ पर डबल सीट हो जाती है। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आपकी जो मेन क्वेरी थी कि ज़िले में कुल कितने कॉलेज होते हैं, कॉलेज में कितनी सीटें आवंटित होती हैं और प्रत्येक ज़िले में महिला कॉलेज कितने होते हैं, ये सब समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। अभी भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों प्रत्येक अपडेट और पीटीटी बीएसटीसी की नवीनतम समाचार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। अंत में आपको बता दें कि यदि आपके 200 प्लस मार्क्स हैं तो दोस्तों आप ऑल राजस्थान का ऑप्शन ही चूज करना, तभी आपको कॉलेज अलॉट हो पाएगा, अन्यथा आप कॉलेज आवंटन से वंचित रह जाएंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को
और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।